बस कुछ ही देर में पहुंच जाएंगे। ट्रैक्टर उठा के ले जाओ है। बारिश में तो रोड जाने लायक भी ना रहे। साक्षी, तुमसे एक जरूरी सवाल पूछना है। देखो, बहुत सोच समझ के जवाब देना। क्या तुम कहीं भी सो सकती हो? नहीं, मेरा मतलब इतनी खराब सड़कें, इतने सारे खड्डे, और तुम्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा? कराटे मार के सो रही थी तुम। मैं कराटे नहीं मारती, तुम मारते। आराम से। कजरा जी, यहां से घर कितनी दूर है? खेत का रास्ता पकड़ के आगे बढ़ जाओ, थोड़ी देर में घर जीत जाओगा। और आप? जो गाड़ी ठिकान लगा के आऊं। हेमंत, यहाँ तो नेटवर्क ही नहीं है। अच्छी बात है, अब कोई चाहे भी तो हम तक नहीं पहुँच पाएगा। और हमें किसी तक पहुँचना होगा तो? हमें किसी तक पहुँचने की जरूरत ही नहीं है। हमें नहीं, मुझे है। बच्चे हेमंत, बिना बताए यहाँ आ गए हैं, सब परेशान होंगे। परेशान नहीं, खुश होंगे मैडम, तुमसे छुटकारा जो मिला। किसी दिन मेरे एनजीओ आके देखो मुझसे कितना प्यार है। उनका और है ही कौन, ये बात मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है। मैं सही भी जा रहे कि नहीं कुछ पता नहीं चल रहा। हम तो थक गए। तो मुझे भी यकीन हो गया, ये चंदेल हम तक नहीं पहुंच पाएगा। वो क्या है? हाँ साक्षी, तुम हेमंत हो? तो तुम कौन हो? क्या कह रही हो साक्षी? तुम हेमंत नहीं हो, तुम कोई और हो। हेमंत तो ये है। साक्षी, हेमंत, मीट हेमंत। कजला जी ने तो कहा था कि खेत का रास्ता पकड़ के चलते रहना, सामने घर दिख जाएगा। यहाँ तो घर का नामो निशान भी नहीं है।
है ना? क्या निशान? तुम थोड़ा बैठ लो। ठीक है साक्षी, तुम यहीं रुको, मैं देख के आता हूँ। मैं भी चलती हूँ। पता नहीं सिर्फ घर है कि भी नहीं, और वैसे भी तुम अकेली कहाँ? हमारा हेमंत है ना, आता हूँ। पापा जल्दी आ जाएंगे। हाँ हेमंत,
हेमंत, हेमंत, साक्षी, हेमंत, साक्षी कहाँ हो? हेमंत, घबराव है ना छोरी, किधर रह गई थी तू? तेरा मरद तन्ने ढूंढ ढूंढ के थक गया। साक्षी तुमसे कहा था ना वही रहना, पता है कितना परेशान हो गया था। ये किजला जी की पत्नी है, भानो देवी, भानो ताई। चलो आ जाओ। राजवीर के बापू ने बतलाया था कि आप लोग आने वाले हो। कहाँ रह गए थे? अरे मैं भी खो गया। हाथ मुंह धो लो, खाना परोस देती हूँ। ठीक है ताई। घनी भूख लग गई होगी, इतनी दूर से आ रहे हो। गया था तुम्हें ढूंढने, तुम थी नहीं वहां पर। आओ सरकार, बैठो। छोरी थाली ला दे, यो सामने रखी। खेती तो अच्छी लग रही है। हाँ, ऊपर वाले की कृपा है सरकार। ये हमारे लिए टिबना, मर्द के खाने के बाद। अरे नहीं कचला जी, कैचो सरकार, इतना के सोचना है? ये घर, ये मारा ही घर है। ले, और जो पीछे दरवाजा है वो कमरा किसका है? इनका छोटा भाई मारा देवर योगेश्वर रवे था उस कमरे में। उसके जाने के बाद हम भी वो घर छोड़ के चले गए, और घर के दरवाजे पे ताले लटक गए। तुम दोनों ना आते तो शायद दरवाजे कभी ना खुलते। कहाँ गए आपके देवर? मर गए। रा खाना शुरू ना कर रहे हो, मुहूर्त निकालेगी क्या? चूरमा खा के तो बता किसल आ गया। बहुत अच्छा है। ये भूखा गुड़गुड़ाना छोड़ो और ताजा दूध पियो। ले छोरी इतना सारा। इब तुम्हारे घर आई है, यो नखरे आना चल लेंगे। चल गटक जा। इस हालत में औरत का साथ होना गना जरूरी है। इब मैं रहूंगी इसके साथ, मरे होते हुए तुमने किसी बात की चिंता करने की कत्ती जरूरत ना है। थैंक यू ताई। के थैंक यू कवे है? मारे बुरे वक्त में आपने मारे मदद करी थी, इब मारी बारी है। राब बहुत बतिया रही तू, इब चौपाट पे बिस्तर बिछाण का इरादा कर। चल चल है। सवेरे मिलते हैं सरकार। अच्छे लोग हैं। पर सोच पुरानी है। आज भी पत्नी पति को खाना खिलाने के बाद ही खाती है। अपनी परंपरा नहीं भूले। तभी तो कल में जी रहे।
पति को पहले खाना खिलाना गलत है। पति के साथ मिल बांट के खाना ये सही है। ये सही नहीं है मिस्टर पति। यही सही है मिसेस पत्नी। दरवाजा खुला है। लो पापा के खराटे शुरू। कैसा लगा कजला जी का घर? ठीक है ना? पर यहां कोई नहीं आएगा, यहां हमें कुछ नहीं होगा। हम तो गए रहे हैं, हड्डी पे तो ना लगी ना। ना बताइयो। ठीक है लेप है घर का बनिया, दिन में दो दफा लगा दियो, दो दिन आके खातर हल्के हाथों से जख्म भर जाएगा। दिखाओ। चलो सरकार, आपने अपना खेत दिखा लिया हूं। चलिए कजला जी, आ जाओ। जल्दी आना। यो भी मार आई है, अंदर तक जाके पानी छोड़ना पड़े। वनवास ना जा रहा था रामरज, खेता में जा रहा, आ जाएगा थोड़ी देर में। ये थारे नान का पानी है। चल। क्या हो गया छोरी, रात में ठीक से सोई नहीं के? वो शायद नई जगह है इसलिए ठीक से। जगह की आदत पड़ जाएगी, धीरे धीरे सबकी आदत पड़ जाएगी। आदत क्यों, हम तो बस एक तो दिन में यहाँ से वापस चले जाएंगे। हिम्मत ने बताया नहीं आपको? आप ऐसे क्यों? ना ना, यह मर्द को अपने नाम से ना बुलाते। चल लीप जाके नहा ले, मैं भी घर के कुछ काम निपटा लूं। मुझे भी खेत देखने थे, हम भी चले। चल लेंगे।
कल हम वहां से आए थे ना, चलो आज हम यहाँ चलते हैं। एक मिनट, मजाक कर रहा था। ये मजाक था? साक्षी, अच्छा सुनो तो साक्षी, तो मैं सोच रहा था कि तो तुम क्या सोच रहे हो? साक्षी, पैसों का जुगाड़ हो रहा है, लेकिन उसके लिए शहर जाना पड़ेगा ना। यहाँ पर तो नेटवर्क भी नहीं है और किसी से बात भी नहीं हो पा रही है। मैंने कजला जी से बात कर ली है, परसों सुबह हम दोनों शहर के लिए निकलेंगे। साक्षी, ये अब तक भरे नहीं हो, तुम्हें शहर जाना है। कुछ नहीं होगा साक्षी, इतनी जल्दी वापस जाना था तो यहाँ आए ही क्यों? हम साथ आए थे, हम साथ ही जाएंगे। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। देखो, बात तुम्हारी और मेरी होती तो हम यहाँ पर आते ही क्यों? और मुझे पूरा यकीन है कि ताई तुम दोनों का पूरा ध्यान रखेंगे। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा ना। देख छोरी, न्यू मुंह फुला के बैठन से कोई फायदा ना होवे, नुकसान जरूर होवे। मां दुखी होवे, बालक भी दुखी होवे। मां गुस्सा, बालक गुस्सा। और जो मां खुश तो लल्ला भी खुश और सुखी होवे। ताई से कहानी सुनेगा छोरे? हैं? देख, हाँ बोल रहे हैं। एक छोटे से गांव में एक घना बड़ा पेड़ था। पेड़ पे एक कौवा अपने परिवार के साथ सुख शांति से जीवन बिता रहा था। फिर एक दिन एक जहरीली काली नागण उस पेड़ से लिपट गई और उसका जहर धीरे धीरे सारे पेड़ में फैलन लग गया। पत्ते गिरन लग गए और सारे फल टूट के गिर गए। देखते ही देखते बाघना पेड़ एक विधवा की मांग जिससे सूना पड़ गया। जिससे वह कौवा अंडा देता, वैसे वह नागण उस अंडे ने छट से निकल जाती। कौवा घना परेशान था,
फिर एक दिन एक चिड़िया और उसका परिवार वहां रहना है। चिड़िया ने पेड़ पे अपना एक छोटा सा घोंसला बनाया। और एक दिन चिड़िया ने अंडा दिया। कौए ने अपना चतुर दिमाग लड़ाया, उसने अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में छुपा दिया और चिड़िया का अंडा अपने घोंसले में ले आया। हर बार की तरियावा सातर नागण एक अभा फिर कौए के घोंसले के अंडे में निगल की। पर इस दफा कौए का अपना अंडा बच गया। कुछ दिन बाद उस अंडे से एक छोटा सा बच्चा पैदा हुआ और कौआ और उसका परिवार एक दफा फिर सुख शांति से रहने लग गए। आज पहली बार मुझे मेरी माँ की कमी महसूस नहीं हुई है। यो तो घनी बढ़िया बात हुई। चंडो यो बुढ़िया कैसे काम तो आई। चल चा इब अपने मर्द से थोड़ी गपशप कर ले। कल सबेरी सबेरे सैर भी तो जाना है ना उसने। चा चलो। हट जा छोरे, ये थारे बस का ना है। क्या बात है छोरी, घनी जल्दी आके बोली सीख गई। साक्षी मुझे भी तुम्हें छोड़ के जाना अच्छा नहीं लग रहा है। बस अब मेरी चिंता बिल्कुल मत करो। पहले लग रहा था कि तुम चले जाओगे तो बिल्कुल अकेली पड़ जाऊंगी, पर अब ताई के साथ वक्त अच्छा बीतेगा। मुझे तो पता था, इसीलिए तो मैं तुमसे बार बार। बस तुम अपना ध्यान रखना, अपने लिए नहीं तो हम दोनों के लिए। अपने बेटे के लिए मैं अपना पूरा ध्यान रखूंगा। कितनी बार कहा है बच्चे को बेटा बेटा मत कहा करो। क्यों ना कहो, मुझे तो पूरा यकीन है बेटा ही है। जो भी होगा अपना होगा, बेटा हो या बेटी, समझे? चलो अब जाके कपड़े ला दो, पैकिंग करते हैं।
के बात होगी, यहाँ क्या कर रही है छोरी? बस मैं वो थारी अक्ल घास चढ़ गई थी क्या? बाहर जी के कम पड़ गई थी जो यहाँ के शोर मचा रखे। चल छोरी चल भीतर चल, कड़ा शोर मचा रखे इसने। चल वाह औरत रानी है, मारे बेटे राजबीर की घराली, मारी बहू। कुछ साल पहले की बात है, मारे परिवार में खुशियां दस्तक देने आली थी, रानी पेट से थी। मारा बेटा खुशी के मारे सातवें के आठवें आसमान पे था, मैं तो बस दिन रात रानी की सेवा टेल में लगी रहूं थी। मैंने आज भी याद है, रानी का आठवां महीना लग गया ही था, फिर एक दिन मारे मना करने पे भी वो खेत में चली गई। मैं खुद उसे ढूंढन उसके पाछे पाछे गई, पर रानी की नजर ना आई। अजीबा मिली तो खेत में उल्टी पड़ी थी, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पेट के बल गिरने करके बालक पेट में ही मर लिया। पेट काट के मरे हुए बालक ने बाहर निकालना पड़ा। रानी के पेट का निशान अपने आज उस भयानक दिन की याद दिलावे। रानी बेचारी बालक खोने का दुख बर्दाश्त ना कर पाई। वह दिन राज का दिन उसने मुंह ना खोलिया। और आपका बेटा? उसकी तो जिंदगी न्यू बर्बाद होगी, तबाही होगी। जीना लग गया था उसका, यहाँ सेंस लग गया, अब वही रहे इविया रख है के है उसके लिए। कुछ भी तो ना है, कुछ ना है। क्यों बताई, हेमंत और मैं भी तो आपके बच्चे जैसे ही हैं। और हमारा ये होने वाला बच्चा भी आपका अपना ही है। जीती रहे, बापू बाई बने रहे, चाचा ताऊ बने रहे। मनुष सबेरी से एक काम न बढ़िया, इससे दिन में दो चार काम दियूं इसने, वो भी ठीक से ना कर सके। बोझ बन के बैठ गई मारे सर पे। कहां मर गई थी इतके देखे? लकड़ियां रख नीचे रख। चलूं थोड़ी देर में आऊंगी, घर के काम निपटा लूं। आज रात थारे साथ यही रहूंगी, ठीक? सत्यानाश, इस औरत ने सीधी मुंह बोली बात समझ ना आती। दो मिनट खड़ी जावेगी तो मर जावेगी क्या? और मर भी गई तो किसी ने ढेले पर का फर्क ना पड़ेगा। चला मारी तो किस्मत ही फोड़ दी। रानी,
रानी तुम हो क्या? अरे कौन हो आप? कहां से आए? आए थे इस तरफ भागे। चल 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 अंदर चल। ताई जाऊंगा जो सवाल न करे। अंदर चल। हुआ क्या? चल चल भीतर चल। ताई ताई हुआ क्या है? चाहे थे हाँ थे तीन शायद। तेरे पास तो ना है? नहीं मैं उनके पास जाने की कोशिश कर रही थी पर वो तो दूर से ही भाग गए। उनके पास जाने की कितनी जरूरत ना है तन्ने जितना दूर रहेगी उतना अच्छा होएगा। बच्चों से दूर रहूं? ताई मुझे तो बच्चे बहुत पसंद है वहां शहर में भी मेरे एनजीओ। मारी बात ध्यान से सुनो यो शहर वाले बालक ना है यो छोरे खड़े बदमाश है। ताई छोटे बच्चे तो बदमाश ही होते हैं ना इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम उनसे खेलेंगे नहीं। दूर ना समझा छोरी इन बालकों को मार से बढ़ के और कोई ना जाने है। आप जानते हो इन्हें इसी गाँव के है। ताई मुझे उनसे फिर से मिलना है। मिलन मुलन की जरूरत कत्ते ना है एक बार कह दिया ना दूर रह तो दूर रह। नहीं रहूंगी दूर
फिर से आएंगे, फिर से खेलूंगी मैं उनके साथ, अच्छे लगे मुझे वो। मतलब मन नहीं करेगी तू मारी बात न मानेगी? अपनी आंखों से रानी ने देख के आना, उसने भी मनमानी करी थी, मारी बात न मानी थी, देखा क्या हाल होया उसको। सोई नहीं अब तक? नींद ना आ रही थी। तू क्यों उठ गई? सो जा, देर हो ली।
कहाँ से ले आई? वो बच्चों ने दिया। के बोल रही थी मैं, तन्ने दूर रहना है उनसे। मारे कई बात पल्ले न पड़ती थारे। ताई, ताई, मारी बात मार ले छोरी। थारे बुलाए के ले कौ? मेरा भला? मेरा भला मैं खुद जानती हूँ। आपको इससे ज्यादा तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है। आप ही हो ही नहीं पता है। अब वो हो जो आप रानी के सामने हो। तो ये प्यार और लाड़ का नाटक मेरे साथ मत करो। तेरा दिमाग खराब हो गया है के? के भाल तो बकवास कर रहा है। और वो भी उस अपसकनी औरत की खातिर। एक ऐसी औरत जो एक बालक भी ना पैदा कर सके। मेरे लिए वो एक औरत है, बाकी औरतों की तरह मेरी तरह। सॉरी, ये अपनी सहर वाली पटर पटर बंद कर। मरे इतने समझान पे जो बात तुम्हें समझ ना आवे ना, वह कल अपने आप समझ में आ जाएगी। क्या समझ आ जाएगी? थारे मरद ने बेटा चाहिए ना, जानो और यो भी जानो, थारी कोख में बेटा ना बेटी है, बेटी। गर्भवती की चाल डाल से बता सकूं, पेट में के पल रहा है, पर मारी जुबान किसी जोशी से कम ना है। जब थारे मरद ने पता चलेगा कि पेट में बेटा ना है बेटी है, उसने तो बहुत बुरा लगेगा। आप हेमंत को ठीक से जानती नहीं है शायद। उसकी सोच आपकी तरह पिछड़ी नहीं है, और हमारी दुनिया आपकी तरह झूठी नहीं। ना मारी ना, थारी दुनिया झूठी है। यह आँखा खोल के देख, सब साफ साफ दिखेगा। आ गया बेटा, काम बढ़ गया? जी ताई। तन्ने देख के जो खुशी महसूस हो रही है बता ना सकूं बेटा। हेमंत देखो, हेमंत जख्म भर गए। साक्षी, हेमंत, साक्षी, क्या हुआ? तुम ठीक तो? क्या हुआ बताओ? घनी रात हो रही, मैं जान लूं। जी ताई। जीते रह, खुश रह, बड़े रहो। संभल के जाना ताई। साक्षी, हेमंत, तुम इनकी बातों में मत आओ। मैं तुमसे कह रही हूँ, ये बहुत अजीब औरत है। मैं तुमसे कह रही हूँ, यहाँ कुछ सही नहीं है। साक्षी, कैसी बात कर रही हो तुम? हेमंत ये ना हर वक्त मुझ पे नजर रखती है, कुछ तो चाहती है मुझसे। मैं सच कह रही हूँ हेमंत। मतलब इनकी बहू है ना, उनको बच्चा नहीं हो रहा हेमंत, इसलिए शायद वो, शायद नहीं, मुझे यकीन है, इसीलिए वो हमारे बच्चे के पीछे है। साक्षी, तुम भनोताई की बात कर रही हो? हाँ हेमंत, मैं उन्हीं की बात कर रही हूँ। हेमंत देखो, सुनो सुनो, मैं कहीं भी रह लूंगी, मैं कहीं भी चलूंगी, बस मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं आ गया हूँ ना, मैं यहाँ पर, तुम्हें रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आ गया। नहीं, तुम नहीं समझ रहे हो, वो उनकी बहू है ना रानी, मैं उनसे मिल चुकी हूँ और वो बच्चे भी देख चुकी हूँ। मैं तुमसे कह रही हूँ, यहाँ कुछ सही नहीं हो रहा। साक्षी, तुम बस मुझे यहाँ से ले चलो। साक्षी, हाँ हाँ। नहीं हेमंत, नहीं हेमंत, नहीं हेमंत, नहीं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, बस तुम अभी लेके चलो मुझे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। साक्षी, हम चलते हैं, मुझे बस यहाँ नहीं रहना है, अभी चलते हैं, अभी हम चलते हैं, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं, अभी चलते हैं, चलते हैं, मुझे यहाँ नहीं रहना है, बस तुम अभी। साक्षी, हम चलते हैं, चलते हैं। Oh!
तन्ने कहानी सुनन का घना शौक है ना छोरी, ये भी वो कहानी एक और सुन ले, ध्यान से सुनियो कि थारे और थारे होने वाले बालक की जिंदगी यो कहानी तक रहेगी। बहुत साल पहला की बात है, हमारे देवर योगेश्वर की शादी हमने सुनैनी नाम की छोरी से करी। नाम सुनैनी था पर सीरत से डायन थी वा। हमारे घर में उसके पैर पड़ते ही हमारा सुखी परिवार बर्बाद हो गया। हमारे एक नी दो नी चार बालक थे, सोरे तीन छोटे और सबसे बड़ा राजवीर। उस डायन ने हमारे तीनों छोटे बालकों पर ईसा जादू करिया, वो उसके वश में हो लिए। हमारे बालकों के कान मारे खिलाफ भरन लगी, देखते देखते हमारे तीनों बालक हमारे से अलग होने लगे। दिन रात उसी के साथ चिपके रहते, सब तरीके आजमा के देख लिए मैंने, पर अपने बालकों को उस डायन के चंगुल से ना छुड़ा पाई मैं। पर वो कवे है ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जावे तो ऊपर आला अपने आप रास्ता दिखावे। यो यो या सुनैनी पेट से होगी, मारी सांस में सांस आई, मरने लग गया। इब खुद का बालक होवेगा तो मारे बालकों का पीछा छोड़ देवेगी। पर मारा अंदाजा गलत निकला, उस डायन ने मारे बालकों का पीछा ना छोड़ा। जब पानी सर से गुजर गया तो एक दिन मन्ने योगेश्वर के सामने सुनैनी का पर्दा फांस किया। उसने भी उसने बतेरी समझाने की कोशिश करी, पर वह कमबख्त औरत एक ना मानी। मर्द लगाई में जम के लड़ाई हुई, और तने पता है उस डायन ने क्या करिया, अपने मर्द को खत्म कर दिया। सुनैनी ने योगेश्वर को जान से मार डाला और फिर उसी चाकू से अपना पेट चीर लिया। हमारे तो हाथ पैर ठंडे पड़ गए, पर इससे पहले कि हम कुछ करते उसने कुएं में छलांग लगा दी। पर वह अकेली ना डूबी, वह डायन हमारे तीनों छोटे बालकों को लेके डूबी। सुनैनी ने हमारे तीनों बालक मार दिए। कुछ सालों बाद हमारे बड़े बेटे राजवीर की शादी हुई रानी से। जब रानी अपने आठवें महीने में पेट से थी, उसने सुनैनी और हमारे तीनों बालक दिखाने लगे। उस डायन ने रानी ने अपने जाल में लपेट लिया और रानी ने भी अपना पेट चीर लिया। मारे से मारे बेटे का दुख देखा ना गया, उसकी खुशी की खातर हमने फिर से उसकी शादी कराई। पर सुनैनी से हमारी खुशी देखी ना गई, राजवीर की घराली माँ बनना ली थी। उसने भी सुनैनी और माड़े बालक दिखन लागे। वा डायन माँ बालक दोनों ने खागी। तीसरी दफा राजवीर की शादी कराई, आठवें महीने में वही होया। पर मन ने भी हार ना मानी, एक दफा फिर राजवीर की शादी कराई। पर इस दफा गांव में ना, शहर में। तांत्रिक ने बोलिया है कि जो कोई औरत अपने आठवें महीने में इस घर में तीन दिन उस डायन के साए से बच के गुजार ले, तुम्हारे इस घर पे लग गया श्राप हमेशा हमेशा के लिए हट जावेगा।
और ऊपर आले की कृपा देख, तुम दोनों को थारे आठवें महीने में आले आया और खुशी की बात एक और है। सुन सॉरी, शहर में राजबीर की घराली भी पेड़ से है, जो तू तीन दिन यहाँ रह ली अपने और अपने बालक को इस दायन से बचा के, तो इस घर पे लग गया शराब हमेशा हमेशा के लिए हट जावेगा, हमारे परिवार को एक वारिस मिल जावेगा। तू माँ है और मैं भी एक माँ हूँ, समझ सके है? मैं जो करूँ अपने बालक की खुशी के खातर करूँ। तरने यहाँ तीन दिन रहना ही होगा, जो भागण की कोशिश करी तुम्हारा राजबीर तन्ने ना छड़ेगा, तन्ने यहाँ तीन दिन रहना ही होगा। अपना ध्यान रख। और सॉरी, इन तीन दिनों में तन्ने जो भी दिखेगा वो सब ब्रह्म होवेगा, समझी? और जो लोरी तन्ने सुनी थी उसने कभी ना गुनगुनाई है, सुने नी वो ही लोरी मारे तीनों बालकों के लिए गावे थी, और आज भी गावे है। हेमंत, 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 छोटी माई,
छोटी बच्ची है ना, हमने आज तक कभी छोटी बच्ची ना देखी। छोटी बच्चियां कैसी दिखती है बतलाओ ना, चुप क्यों हो? ये लोग इसने भी ले जाएंगे। डरे ना, सब चुप गए के। छोटी भाभी खेलोगे हमारे साथ? चलो छोटी माँ। तीन दिनों में जो भी दिखेगा ब्रह्म हो जाएगा। Thank you.
आपने देखा उसे? वो कहीं ना जा सके। यही कहीं छिप रही होगी। ये एक बार फिर जाए फिर ना बचेगी। राजवीर दूर से बिठका दूर से। Ah!
तो मतलब है छोटी माँ बुला रही है। गई माँ
बड़ी हंसी फूट रही। काकी से छुपाओगे? इसमें छोटी बच्ची है ना। छोटी बच्चिया कैसी दिखे है? छोटी बच्चिया खड़ी सुंदर दिखे, बड़ी बड़ी आंखा, नोने नोने हाथ पैर और उनकी हंसी बहुत मीठी होवे। छोटी बच्चिया खड़ी नाजुक होवे। पर वो लोग इसमें भी ले जावेंगे के? बड़ी बच्ची को मैं से दूर ना जान दूंगी। डरे ना, हम है ना, हम इसका ध्यान रखेंगे। हमने थारी बच्ची के साथ खेलना है। हाँ, क्यों नहीं, हम सब साथ में खेलेंगे, ठीक है? मारे बोले बाले बालकों के कानों में दिन रात उल्टी सीधी बातें तकती रहे। छोटी माँ ने मारो, मारो, रे हट चलो, मारो, हट रास्ते में से। रुक, भाग रही है। समझान का वक्त गया। अपने पति ने मारेगी, हमारी बच्ची को कुछ ना करा। थारी बच्ची से पहले तो तन्ने निपटाऊं। यो क्या करिया? यो क्या करिया? मैंने कुछ ना करिया। अपने देवता जी से पति को मार डाला, कब कुछ ना करिया? मैंने नहीं मारे हो। तन्ने तो मारे है। मैंने नहीं मारे हो। उसके छाती में छुरी घोंप दी तन्ने, चीख सुनी मैंने उसकी। अरे राजवीर के बापू, अरे देख लो जाए ने के करिया ने मेरे को मार सबका
हम इसका ध्यान रखेंगे, इसने कुछ ना होने देंगे। राजवीर,
थकायल रखिए बेटा। नहीं 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 मेरी बच्ची नहीं। इस साल फसल अच्छी होगी। जुग जुग जीतता रहे बेटा। ठीक तो है छोरी, तीन दिन यहाँ रह के तन्ने मारे परिवार की सालों से खोई हुई खुशियां वापस लौटा दी। जीती रहे, खुश रहे। साक्षी, साक्षी, चलो यहां से, ये लोग बहुत खतरनाक है साक्षी, चलो। नहीं, तक इस कहानी के सभी किरदारों को बेनकाब न कर दूं, तब तक ये छोरी यहां से जाएगी नहीं। कहानी क्या कहानी सुनावेगी?
सुनैनी की कहानी, उसके जिंदगी के आखिरी 3 दिनों की कहानी। सुनैनी तो मर गई, उसकी कहानी आज भी इन खेतों में गूंजती है। सुनैनी ऐसा मत करो, ये कहानी फिर से मत दोहराओ। सुनैनी 3 दिनों में मैं सब देख चुकी हूँ सुनैनी, तुम्हारा दर्द महसूस कर चुकी हूँ सुनैनी, मुझे मौका दो सुनैनी, तुम्हारी सच्चाई इन खेतों से बाहर ले जाने का। मैं हर उस माँ के लिए आवाज उठाऊंगी जिसके साथ यह अन्याय हुआ है। मुझे मौका दो सुनैनी, एक माँ का दूसरी माँ से वादा है सुनैनी। साक्षी तुम इन लोगों को नहीं जानती, चलो यहां से। उसके 8वें महीने में इन लोगों ने अपने बेटे राजबीर के साथ मिलकर उसे जिंदा जला दिया। उसने हमारे भाई को जान से मारा था। वो हत्या नहीं, एक हादसा था। और ये बात सुनैनी ने आपको समझाने की बहुत कोशिश की। मैंने नहीं मारे, मैंने अपनी आंखों से देखा था ना उसकी साथी में चूरी घोपते हुए। जान तो आपने ली, सुनैनी को जिंदा जला के उस कमरे में छोड़ दिया। उस चली हुई हालत में उसने एक छोटी बच्ची को जन्म दी। वो चीखती रही, चिल्लाती रही, कोई उसे बचाने नहीं गया सिवाय आपके छोटे बेटों के। हम इसका ध्यान रखेंगे, इसने कुछ ना होने देंगे। आप लोगों ने हत्या की इस कुप्रथा से उस बच्ची को मार दिया। बालकों की जान ले ली थी उसने। अपनी छोटी माँ और बहन को बचाने के लिए आपके तीनों बेटों ने कुएं में छलांग मार दी थी। रे ओ छोरी, ये घटिया कहानी किसी और ने जाके सुनाइए। अच्छी फसल के लिए छोटी बच्चियों को कुएं में फेंकना, ये घटिया है। एक हत्या को प्रथा का नाम देना, ये घटिया है। लग गया उस डायन का साया चढ़ गया उसके सिर पे। तो यार सॉरी इस तरह से बकती रवे। राजबीर की तीनों घराड़ियों को मां बनने लायक ना छोड़ा उसने, एक एक को जान से मार डाला। सुनैनी ने तो उन औरतों को अपनी कहानी बतानी चाहिए, उनके साथ हो रहे अन्याय को रोकने की हिम्मत देनी चाहिए। कोई नहीं समझा। सुनैनी ने उन औरतों को नहीं मारा, उसने तो बस आपका वंश बढ़ने से रोका। इतने बच्चा भी ना पैदा कर सके हैं, ये भी किस काम की? अकी जबान खोल दी तो हम कहीं की ना रहने के। खत्म कर दे इसने। आपको डर था
कि औरतें यहाँ से निकलकर सबको आपका सच बता देंगी, इसलिए आप लोगों ने उन्हें मार दिया। उसे रानी को छोड़ दिया क्योंकि उसने तो अपना मुंह खुद ही बंद कर लिया। किसी ने सही कहा है? एक औरत ही एक औरत की सबसे बड़ी दुश्मन होती है। ये वो बहुत कड़ी बकवास, अपनी औकात ना भूले। छोरी है, छोरी पढ़ती रहे। औकात मैं नहीं, आप भूल रहे हो। हर छोरी में एक माँ होती है और माँ से बड़ा ना किसी का औधा है और ना किसी की औकात। बतेरी जबान चला ली तो ना छोरी, बतेरी जबान चला ली। क्या अपने लाडले राजबीर से कह के मुझे मार देंगे? हाँ राजबीर, कहा था ना इस कहानी के सभी किरदारों को बेनकाब करके ही जाऊंगी। ठहर, मैं दिखाऊं तुम्हें। बहुत हो गया, ये छोरी इस बच्ची को जन्म देगी और उस पर तेरी परछाई भी पड़ने नहीं देगी।